वगैरह सब चढ़ जाए फिर हम लोग घर लेकर निकलेंगे इसको, उसके बाद आपको अपडेट देते हैं। दोस्तों सो जाओ बेटा, सो जाओ सो जाओ। ये देखिए ओ भाई साहब सब खा जाएंगे ये। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? तो यार दोस्तों आपको अगर बताएं तो अपडेट अगर दी जाए तो पता है मतलब कल रात जब हम लोग आ गए थे फिर मतलब सो हो गए थे मूवी देखने के बाद यार उसके बाद एकदम से इतनी बारिश हुई, मतलब मौसम तो बन ही रहा था, लग रहा था कि हाँ भैया बारिश होगी होगी, लेकिन यार इतनी बारिश आपको पता है अभी इस वक्त मौसम ऐसा हो रहा है जैसे पहाड़ों पे वो ठंडा वाला मौसम नहीं होता है बारिश के बाद, यार ना अच्छा लग रहा है रूम पे, मतलब एक में पंखा चला था उसमें भी इतना ठंडा लग रहा है यार। लेकिन पता है क्या है, कल से ना बूजो की तबीयत बहुत ख़राब है, इट्स नॉट डूइंग वेल। उसने 4-5 बार वॉमिट की है, सुबह से कुछ नहीं खाया है, पानी भी नहीं पिया है, बाहर भी नहीं जा रहा है, ऐसे पड़ा हुआ है, खेल भी नहीं रहा है। आपको मिलवाती हूँ। ए बूजो, बूजो देखिए गाइस, नहीं जवाब नहीं देगा, कैसे पड़ा हुआ है बेटा। ओ बेटा इधर सुनो, इधर सुनो यार, ये सीज़न है जैसे हम लोग कहते हैं ना ठंडी से गर्मी आ रही है या गर्मी से ठंडी आ रही है तो तबीयत ख़राब हो रही है, ये यार इन लोगों के लिए भी होता है ऐसा। प्लीज़ अगर आपके पास पेट है तो टेक केयर ऑफ़ देम, क्योंकि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, सेम अभी इसके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा इसका ख्याल रखना है। बेचारा काफ़ी वोमेंट कर चुका है, इतना खेलता रहता है, कूदता रहता है, सुबह से सन्नाटा कर रखा है इसने क्योंकि तबीयत ख़राब है। और ये देखिए कराटे सुने आप लोगों ने, भयंकर ही चल रहे हैं भाई, कुछ कह नहीं सकते। आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं कैसा लग रहा है, ये देखिए। वो बारिश की वजह से पूरा पानी पानी भरा हुआ है, पता है हम लोग ने बहुत अच्छा किया ये घर बना के, कल रात जब बारिश हो रही थी ना छोटे छोटे बच्चे इसी के अंदर घुस के सो रहे थे बेचारे, देवर थिंकिंग कि यार हम कहाँ जाएँ, एकदम से बारिश उनके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, उनको नहीं पता था कि बारिश है, क्या करना है क्या नहीं करना है, बेचारे पहले रो रहे थे, फिर मैंने उनको बुलाया तो वो सब बारी बारी इसके अंदर घुस गए तो अच्छा लगा कि चलो कम से कम उनको अब पता तो चल रहा है कि उनके लिए क्या सही है। वो देखिए सब लोग वहाँ पर, वो देखिए सब लोग वहाँ पर बैठे हुए, ये प्लांट मम्मी ने यहाँ रख दिया, बाहर बहुत ज़्यादा सूख रहा था, ये यहाँ पर अभी ठीक हो रहा है। सब दिखाते हैं आपको यार गाइस, इस घर में एडी रहता था छोटा सा बीगल जिसको मैंने होली पे भी दिखाया था, तो यार ही इज़ नो मोर। वो ना काफ़ी टाइम से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ऐसा बताया था इन लोगों ने, तो एकदम से सडनली चला गया वो, साल भर का भी नहीं था, बहुत प्यारा बच्चा था, क्या कर सकते हैं, जाना था तो उसने। ये देखिए ये पता है पूरा ख़त्म हो गया था, फिर से हो गया ये बोनसाई, ये तो होता रहता है, ख़त्म होता रहता है, इसका तो कुछ कहना ही नहीं है। और हाँ आपको सबसे प्यारी चीज़ भैया अभी तक तो दिखाई रही, ये देखिए, ये देखिए भैया, है ना मस्त, देख रहे हैं छोटे से पेड़ में कितना, मतलब ये देखिए, ये देखिए ओ भाई साहब और पता है एक चीज़ और, मम्मी से मैंने कहा था मम्मी एक मतलब मम्मी कह रही थी इसको अभी छोटे से गमले में लगा देते हैं बाद में शिफ्ट कर देंगे, तो ये छोटे से गमले में लगा हुआ था, पता है कितने छोटे से में, इतने छोटे से में, फिर मम्मी ने इसको इस पर शिफ्ट कर दिया। मैंने मम्मी से बोला भी था कि मम्मी आप कह रहे थे इसको इस पर लगाएंगे, मम्मी ने कहा हाँ हाँ अब लगा देते हैं, और मम्मी के लगाते ही देखिए दोस्तों उसमें से वाला फ्रूट आने लग गया, कितना प्रिटी है ना, वाओ यार ये नेचर है, थोड़ा आपको एक झलक दिखाएं, ये देखिए
गाइस ये थी शुरुआत, अब चलिए चलते हैं नीचे, मिलवाते हैं आपको मम्मी से, ठीक है। आपको मैंने दिखाई नहीं, मैंने चेंज किए हैं, मैंने ऐसे ऐसे करके पहन लिया है, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। यहीं पे छोड़ दिया क्योंकि ये लोग सो रहे हैं, इधर हैं तो ऊपर, तो ये लोग फ़ोन करेंगे। लोमड़िया मेरी, लोमड़िया मेरी, लोमड़िया 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 लोमड़िया, देख रहे हैं इसको, इसको देख रहे हैं गाइस, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, लोमड़िया लोमड़िया लोमड़िया। तुम कुत्तियों की लोमड़ी पहले बताओ। तुम कुत्ते के लिए मसाज करवाने के लिए, देख रहे हैं आप इसको, देख रहे हैं, मतलब ये मसाज बॉय है, ये मसाज बॉय है, मसाज बॉय है, इस मसाज बॉय, इस मसाज बॉय, इस मसाज बॉय। चल रहा है कैमरा यार, ये हम लोग ने सुबह से इसलिए चला रखा है क्योंकि सब खुला हुआ था ना दरवाज़ा, दरवाज़ा तो खुला छोड़ दिया था। मम्मी लगता है सो गई हैं, तो गाइज थोड़ा सा फ्रेश व्रेश हो लेते हैं, हाथ मुंह धो लेते हैं, ब्रश कर लेते हैं और फिर आपको मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। ये बन रही है मेरी लेमन टी, ये बाकी में गाइस फ्रेंच फ्राइज है, ब्लर हो रहा है कैमरा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये नींबू किधर होगा, मैं ये भी भूल गई, वाह नींबू नहीं मिला, पता नहीं कहाँ है। करते हैं कुछ इंतजाम, जाएंगे हम ऊपर। ये देखिए इनमें से कुछ बारो कर लेंगे, कौन सा वाला लें, तो छोटे छोटे से ही हैं, ये ले लें, हाँ ये शायद खट्टा होगा ना, नहीं या तो ये वाला, हाँ ये ले लेते, ये निकले ना, तो जब नींबू ना हो तो नो वरीज, आपकी सिस्टर और माइक के दोनों में बहुत सारे नींबू के पेड़ लगे हैं, वहाँ से तोड़ सकते हो। ये देखिए मम्मी ने इस जगह की पूरी काया पलट कर रखी है, वो बड़बस्त बनवा रखा है सारे पेड़ों में कटिंग वटिंग दे के, ये भूजो के बैठने की जगह बना रखी है, यहाँ भूजो बैठता है, तो उस नन्हे नींबू को लेकर बढ़ रहे हैं की तरफ। देखिए चाय कहाँ तक पहुँची, हो ही गई ऑलमोस्ट, सबसे पहले इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। करेंगे कटिंग्स, ओहो पकड़ना पड़ेगा गाइस, लग रहा है कैमरा हटाना पड़ जाता है, चलो देखते हैं एक बार और ट्राई करते हैं, नहीं 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 ठीक है, इसकी कटिंग करके आपको दिखाते हैं, ठीक है एक मिनट। ये छोटा सा नींबू, अरे यार गाइस ये इतना छोटा है ना, वीडियो में जितना आपको दिख रहा है उससे भी कहीं ज़्यादा छोटा, तो आप समझ लो ये कितना सा मिनी सा होगा, नन्नू सा एकदम, ओ वाव। तैयार है, तो जल्दी से चल के अपना सेटअप दिखाते हैं, ये देखिए आप सोचिए ना इतना प्यारा सा व्यू है। देखिए ये पनीर मोमोज है, ये फ्राइज, ये हस्बैंड लेकर आए, कितने प्यारे हस्बैंड है ना,
उठते ही इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें ले आए। आइए नज़ारा यार, ये घर की ये वाली जगह मुझे सबसे ज़्यादा बेहद पसंद है। मतलब यहाँ बैठेंगे, उससे पहले अपना पानी ले लें। तो बस देखिए क्या मस्त मज़ा आ रहा है बैठकर खूबसूरत फ्लावर्स का, वो छुपे हुए सूरज का मज़ा लेते हुए। कुछ परिंदे भी उड़ते हुए जा रहे हैं, आ रहे हैं दिखने वाले। तो बस ये सब मज़ा लेते हुए हम अपना नाश्ता एंजॉय करेंगे। यार मेरा तो नाश्ता ही हो रहा है, हम अभी सोकर उठे तो हमारा तो अभी हुआ। तो चलिए खा पी और फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है यार, सीरियसली। मतलब इतना ठंडा मौसम ना दिल को ठंडक दे देता है। वो गर्मी मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं है। ठंडी आर द बेस्ट। आज इतना ठंडा ठंडा मौसम आया तो वैसे चाहिए बैठते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तब तक स्टे ट्यून्ड। हेलो तो गाइस, एक अच्छा सा मौसम पार्टनर है और बढ़िया सा खाना पीने को, आपकी फेवरेट चाय, ठंडा सा पानी, और क्या चाहिए यार, क्या चाहिए। और साइड में ये भी है, ये देखो। इंजॉय करते हैं खाना वाना, फिर आपसे मिलता है, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून कर दो, स्टे ट्यून और हाथ लगा दो। हेलो गाइस, एक बहुत ही मतलब बुरी बात आपको बतानी है। पीछे बूजो बैठा होगा, आप देख रहे होंगे यार। बूजो इज़ नॉट वेल, मतलब ही इज़ बीन थ्रोइंग आउट सिंस लास्ट नाइट, मतलब कल रात से ये नॉन स्टॉप वोमिटिंग। पहले तो हमें लगा कि यार कभी कभी हो जाता है इसके साथ ऐसा, कि जैसे अभी कुछ दिन से गर्मी थी, एकदम से ठंडा मौसम हो गया, हमें लगा ठंडा गर्म हो गया होगा इसके लिए। बट अभी हम लोग देख रहे हैं अजीब सी वोमिटिंग कर रहा है। कभी अभी अभी इसने ब्लड भी गिराया, तो यार हम लोग से रहा नहीं क्या, अब हम लोग इसे लेकर भाग रहे हैं हॉस्पिटल। और वहीं पर अब डॉक्टर बताएंगे कि व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, क्योंकि इस तरह तो इसको नहीं देख सकते यार। खेलना कूदना बंद, सुबह से कुछ खाया नहीं है, बेचारे ने एक बार पानी पिया वो भी वॉमिट कर दिया, ठीक है। फ्रेश भी नहीं हो पा रहा है, मतलब बहुत परेशान है, बहुत परेशान है यार। देखो बेचारे बोल नहीं सकते ना, इसलिए हम लोग को पता नहीं चल पाता है कि एक्चुअली इनके साथ है क्या। अब तो डॉक्टर बताएंगे क्या है। तो गाइस आपको सीधे मिलते हैं हॉस्पिटल पे बुजु वाले, तो फिर देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। होप कि सब ठीक हो, कुछ प्रॉब्लम, कुछ सीरियस बात ना हो, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है अभी, बहुत छोटा है। तो चलिए आपको वहीं पे मिलते हैं, ठीक है। गाइस पहुँच गए, लेकिन देखिए डॉक्टर के वहाँ आ गए, लेकिन बुजु के इतनी नहीं है कि इतनी एनर्जी नहीं है कि नीचे आ जाए। आइए लेकर आइए बुजु, आ जाओ बेटा, आराम से आओ, आओ अच्छे से आओ, आराम से आओ, कोई जल्दी नहीं है। आओ, डर रहा है वो, पहचान गया कि हम डॉक्टर के वहाँ आए। काम मम्मी यहीं कर सकती हैं। तो देखिए गाइस, इनसे नहीं उतर रहा था, हमने उतार दिया इसको। तो खींच के तो उतारना पड़ेगा ना, वरना उतर कहाँ रहा था। पूछो क्या हो गया डॉक्टर की तरह। अरे ये ना कल रात से बहुत वॉमिटिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा, लगातार नॉन स्टॉप। खाना खाया था, उसके बाद घूम टहल कर आया, इसको एकदम कल तक तो इसने रात में डिनर भी किया है अपने। गुड इवनिंग डॉक्टर बुजो, बताओ वोमिट कर रहा है बहुत सडन। बुजो अरे हवा, अरे हम लोग क्योंकि बोल नहीं सकते, लोग तो बता भी नहीं सकते हुआ क्या। ये करता नहीं आज लाइफ में, फर्स्ट टाइम, मतलब 2 साल में मैंने इसको पहली बार ऐसे देखा। चलो ओपो, चलो डरना नहीं है बिल्कुल। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। डरो नहीं, डरो नहीं। अरे हाँ मुझे तो जरूरी है, सब मुझसे पूछते रहते ना कौन से डॉक्टर पे ले जाते अपने पेट, तो अब बताना नहीं पड़ेगा। हाँ तो गाइस बुजो का एक्सरे हो रहा है। हम लोग ने जो भी डॉक्टर को प्रॉब्लम बताई, उन्होंने कहा बेस्ड ऑन दैट हमें एक्सरे करना होगा। तो एक्सरे हो रहा है उसका, अभी देखते हैं कि मतलब क्या निकलता है, क्या पता चलता है। तो फिर कोई अपडेट होती है आगे तो फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस। कल मॉर्निंग में ला सकते हैं इसको? हाँ हाँ, जब बिना बच्चे अभी हम इंजेक्शन देते हैं, ठीक है।
वो कुछ नहीं करता, वो अभी नॉर्मल भी, अभी तो बीमार है, वो ठीक भी होता तो अभी कुछ ना करता इसको, वो खेलता है बस। जब फैन ऑफ कर दे रहा बेटा, सिट बुजो, गुड बॉय, सिट बुजो, सिट बुजो, सिट 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 बेटा, सिट सिट, यहीं पर है, सब लोग यहीं पर है, कोई टेंशन थोड़ी, गुस्सा नहीं, परेशान हो गया वो, डर पहले जाता है ना, चीजें बाद में होती है, उसको डर पहले लग जाती है। मोशन भी कैसे कर रहा था ना कि देखो, फिर पूरा मोमेंट भी इतना कर चुका बेचारा। हां शुभम नाइट तो पकड़ो, इधर रखे गाइस, मुझे को ड्रिप लगी हुई है, ये सो रहा है, अब हम लोग यहीं पर इसी के साथ हैं, थोड़ी देर आराम करें, इंजेक्शन वगैरह लग चुका है इसको, सब जो भी होना था अभी, देखिए कितने प्यार से सो रहा है। अभी कैसा लग रहा है आपको मेरा बेबी बूजी? ये देखिए, ये पता है क्यों उठा है अभी? क्योंकि वहाँ पर ना एक डॉग की ट्रिमिंग हो रही है, और ये उसी की आवाज़ सुन के उठ गया है। अभी तक ऐसा नहीं कर रहा था, अभी तक तो ऐसे पड़ा था, इसको कोई मतलब नहीं हो जैसे। गाइस सब हो गया है काम इसका, अब हम लोग जा रहे हैं घर, आज इनका भी काम छूट गया। हाँ कोई बात नहीं, एक दिन से कुछ नहीं होता, ये तो अच्छा हुआ कि उस टाइम पे घर पे थे, वरना ऐसी सिचुएशन थी ना, फिर मम्मी भी बहुत परेशान हो जाती हैं इन लोग को लेकर के, और फिर हम तो, हमें तो समझ ही नहीं आता भी ये हम करें क्या, तो फिर अच्छा हुआ ये थे, और हम लोग जो है यहाँ ले आए इसको जल्दी जल्दी, और सब कुछ हमें मतलब मालूम पड़ गया कि इसके साथ क्या, मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतना ज़्यादा वॉमिट कर रहा है, क्यों इतना परेशान हो रहा है। फाइनली ही इज फाइन, और अभी 2-3 दिन डॉक्टर ने बोला है रिकवर होने में लगेगा, तो कोई बात नहीं, हम लोग मिलके ध्यान रखेंगे, सही हो जाएगा। अभी जा रहे हैं घर, और घर जाके आपसे मिलते हैं, ठीक है? मम्मी और डुगू भी वहाँ पर, तब से अकेले ही हैं, मम्मी भी बार फ़ोन करके बार बार पूछ ही रही थी हालचाल की, सब ठीक है क्या है, वो भी परेशान जाती हैं, लोग को बहुत ध्यान रखती हैं इन लोग का, वो भी बहुत परेशान हो जाती हैं। तो अब हम लोग जा ही रहे हैं घर, घर जाके आपसे मिलते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है? तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। लोग आ गए, बूजो भी आ गया, ये देखिए। तुम कौन से बूजो हो? हाँ 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 चाय पीना चल रहा है यहाँ पे। ये डुग्गू जहाँ मम्मी बैठ रही है वहीं जाके बैठ रहा है, चिपक के बैठ रहा है मम्मी से बिल्कुल, और इसका हमेशा का रहता है ये। क्यों भाई, क्यों, किस लिए? तो गाइस ये नमकीन है, मम्मी नमकीन तो ले लो, ये हमारी चाय, और आपको दिखाते हैं खाने में, अपने पास है ये पोहा, मम्मी ने बनाया हुआ है, इसके ऊपर अभी हम ये भी डालेंगे, तो बस, और ये काम लेकर बैठे हुए थे। हाँ मम्मी लेट हो गया आज, बूजो बाहर ही है, रेस्ट कर रहा है, नहीं आया वो अंदर, उसको बाहर ठंडा, वेदर काफ़ी ठंडा हो रहा है ना, तो वो बाहर ही बैठा हुआ है, ठंडा ठंडा उसको अच्छा लग रहा है, तो अभी रेस्ट मोड पे है, तो हम लोग ने भी उसको बैठने दिया, उसको पानी खाना कुछ नहीं देना है, डॉक्टर ने साफ मना किया, वो आते ही पता है पानी ढूंढ रहा था, उसके अब मुँह के आगे से पानी हटाया है, तो अभी वो रेस्ट कर रहा है, और हस्बैंड चले गए थोड़ा सा काम पे, क्योंकि आज का उनका शाम का जो काम था वो रह गया, तो अभी वो उसको थोड़ा निपटाने गए, वो आएंगे तब हम लोग डिनर करेंगे, तो तब मिलते हैं आप सबसे, ठीक है? तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। गाइस ये है डुग्गू का खाना, डुग्गू का नहीं मतलब डुग्गू का और बाहर वाले बच्चों का, ये देखिए टिट, बूजो को डॉक्टर ने मना किया है, तो बूजो को जो है यहीं रख दीजिए, तो बूजो को हम लोग नहीं देंगे, इसलिए उसकी रोटियाँ इसमें नहीं है, ये थोड़ा डुग्गू खाएगा, थोड़ा बाहर वाले डॉगीज खाएंगे, पानी भी डालना है इसको, देखिए कितनी जल्दी है, और गर्दन लंबी कर लो, हाँ कर लो कर लो, ये खाना है इसका, कौन खाएगा,
इसको देखिए गाइस कितनी जल्दी है, कैसे ये देखिए कांप क्यों रहे हो। पानी डालिए, पानी नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अब पानी डालिए उसमें पहले, रुक जाएगा लड़के। चलो आओ तुम भी, ए कालू इधर आ, चल आओ, चलो ये डाल, ही खाएगा इसमें डालो, ऊपर का खा लेते तुम, डालो तो सही, डालो डाल दो ऊपर से, उसमें पता नहीं क्या है, इसमें चिकन है। अरे इसमें चिकन है, ऐसे दे दूं, यहीं पे दे दूं, दे देंगे तो साथ सब खा जाएंगे ये। वो राक्षस, राक्षस कौन बोलता है, मेरे बच्चे हैं राक्षस नहीं है, खा रहे हैं राक्षस की तरह। वो खा गए ले ला, अच्छा छोटे छोटे मेरे प्यारे प्यारे राक्षस बच्चे। कालू को नहीं, कालू को दे दे यार, कालू को नहीं दिए, आगे देखा वो लेट लेट आई है, कितनी लेट आई है कालू, कालू यू आर लेट, ऑलरेडी है खाने। वो नहीं खाएंगे, वो चिकन अंडा खाते हैं, खाते हैं। हो गया उनका। तो वैसे ही नहीं खा पाएंगे ना। अबे लूरे ये गाइस देखिए डोलिया की गाड़ी, हाँ, और डोलिया की स्कूटी। ओ अब कहाँ जा रहे हो तुम लोग, ए कैसा था, कैसा हो गया ना, सबसे 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 सुकुलू था ये, सबसे गोलू मोलू, हां सबसे गोलू मोलू था ये, सबसे गोलू मोलू। कछुट नजर में लगे थू थू थू, तब भारी हो गया कि अभी मैं इसको उठा नहीं पाती है खाद से, इसको हमें दो हाथ चाहिए, दो हाथ चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, यार रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि नहीं कर पाए, बूझो की तबीयत इतनी खराब, कभी कुछ समझ नहीं आ रहा था मतलब, तो फिर हमने कहा छोड़ो यार, फिर काम इतना था ऑलरेडी, काफ़ी सारा काम छूट चुका था और काम को भी देखना ही था, तो फिर उस पर भी पड़ गए, तो फिर अभी सुबह रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी बूझो काफ़ी ठीक लग रहा है, आए मेरा बच्चा। और क्या कहते हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास बूजो को लेकर वापस से, क्योंकि इसको आज सुबह फिर से जाना था। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाते हैं कि वहाँ पहुँच के क्या हुआ क्या नहीं, इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर से, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा और अपने पेट को इसी तरह खूब सारा प्यार करते रहिएगा, है ना बूजो, है ना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।